हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की क्या हिडन फीलिंग्स है, जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है उनके दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। स्पिरिचुअल यूनियन, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स की हम जितनी भी छुपी हुई मिस्ट्रीज है वो जानने की कोशिश करेंगे। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। टेम्पटेशन, देखिए यहाँ पे बहुत तरीके की फीलिंग्स है वो सामने आ रही है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। देखो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन सोचते बहुत हैं। ये मानोगे कि अगर इनके पास समय है, अगर कोई काम करने के लिए इनके पास 10 दिन है, तो ये मान लो कि 9 दिन या तो ये मान लो 9.5 दिन तक ये सोचते ही रहेंगे कि उस काम को कैसे किया जाए ताकि हमें सक्सेस मिले, ताकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो हो जाए, या फिर ये सोचते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हमारा काम बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कोई चीज़ को ट्राई करने से पहले, कोई चीज़ होने से पहले ये पर्सन उसको बहुत तरीके से सोच लेते हैं। उससे क्या होता है कि जब ये वो काम करते तो शायद हो सकता था कि बात बन जाती, उसके चांसेस होते हैं, लेकिन ये पर्सन पहले से ही सोच सोच के उस चीज़ को खुद को पीछे की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो काम होना होता है, जो टाइम इनके हाथ में होता है, वो भी ये गवा देते हैं। ये आपको वहाँ देखने को मिला जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की बात गड़बड़ हुई। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के हाथ में था जब इस पर्सन को मौका मिला था कि ये आपके लिए एक्शन ले, ये आपके लिए खड़े हों, पर इस पर्सन ने सोचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम गवा दिया कि इनके घर वाले क्या सोचेंगे, या फिर जो थर्ड पार्टी है वो इनके साथ क्या करेगी अगर ये ऐसा कर देते हैं, बजाय कि उनको उस समय एक्शन लेना चाहिए था, आपके लिए खड़ा होना चाहिए था। इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत बर्बादियाँ हुई हैं आपके जाने के बाद। नंबर से वहाँ पर 1, 2, 8, 5 और 15, सबसे ज़्यादा 1, 2 आए हैं और 5 और 15 आए हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे बता रहे हैं कोई चीज़ बहुत अच्छी थी लेकिन जब वो चीज़ उनके हाथ से निकल गई है, उस समय के बाद से उनका एक तरीके से बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। तो इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स ये है कि इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है, लेकिन उस चीज़ को ये छुपा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक बार ये जो लॉस हुआ है वो सारा कुछ ठीक हो सकता है जब ये आपके साथ रीयूनियन कर लेंगे। एक बार आपकी दोबारा से अगर इनके लाइफ में एंट्री हो गई तो ये मान लो कि हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी। एक तरीके से आप इनका लकी चार्म दिखाई दे रहे हो और किसी भी कीमत पर ये उस चीज़ को रिप्लेस नहीं करना चाहते, बट ये उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, ये उस चीज़ के लिए लड़ेंगे और आपका साथ इस बार ये ज़रूर देने की सोच रहे हैं। तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स इसलिए क्योंकि ये पहले से नहीं बताना चाहते। हो सकता है कि इनको डर है कि अगर ये पहले से बता के आएंगे तो आप, हो सकता है कि कोई एक्शन ले लो, या आप हो सकता है कि इनसे और ज़्यादा दूर चले जाओ। यहाँ भी एक चीज़ और दिखाई दे रही है, मेंटली और एनर्जी वाइज आप दोनों आज भी कनेक्टेड हो। जब इनका दिन अच्छा नहीं जाता और कुछ लॉस हो जाता है तो आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि यार आज दिन अच्छा नहीं जा रहा, आज कुछ अलग सा लग रहा है, ठीक है, आज कुछ डाउन डाउन सा फील हो रहा है लेकिन ये नहीं पता क्यों, ठीक है। तो ये है, ये क्लियरली बताता है कि आप दोनों आज भी कनेक्टेड हो। देखो इस पर्सन को बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होती है कि आपके पास आए और आपको गुस्से में बहुत कुछ सुनाए, जी हाँ बहुत कुछ सुनाए, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि आप पर गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिशें की हैं, एफर्ट्स दिखाए हैं, लेकिन एफर्ट्स की अगर कमी कहीं से रही है वो आपके पर्सन की तरफ से रही है। तो आपको कुछ बोलने से या फिर आपको कुछ भला बुरा कहने से इनका गुस्सा शांत नहीं होने वाला है, लेकिन ये जो गुस्सा होने वाला है ये प्यार वाला होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप दोनों का रियूनियन लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दोनों ना अभी भी रूट से एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं आप पूरी तरीके से अलग हो गए हो, बस ऊपर ऊपर से आप अलग हुए हो। वैसे तो आप आज भी जुड़े हुए ही लग रहे हो। ये इनकी हिडन फीलिंग्स है बट ये बताना नहीं चाहते। एंजल्स इनकी हिडन फीलिंग्स को बताइए। ये पर्सन पूरी कोशिश करते हैं कि इनके इमोशंस के बारे में किसी को भी पता ना चले, ठीक है? बस आपके साथ क्या कनेक्शन है ये पर्सन ही जानते हैं। लेट गो, लेट गो का काढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जो भी इमोशंस हैं, हिडन इमोशंस जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेगेटिव ख्याल आते हैं, उनको लेट गो कर दीजिए। क्योंकि आप उनको जितना ज़्यादा पकड़े रहेंगे वही चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। अगर आपको डर लगता है ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहकर भी आप ना बहुत सारी अबंडेंस अपनी ओर ला सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आप उन इमोशंस को जाने देंगे और पॉजिटिवली सोचेंगे तो आप वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो शायद आपको लगता है कि मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ गए हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपके लिए एक मैसेज तो तैयार ही हो गया है। लेट गो, पॉजिटिव रहिए, अबंडेंस आपके पास ज़रूर आएगी। लेट गो, पॉजिटिव रहिए, अबंडेंस आपके पास ज़रूर आएगी। हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली आपके कोई फ्रेंड्स से अगर आपको रिलेशनशिप में कोई एडवाइस देते हैं तो उनकी एडवाइस आपको लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा मैसेज निकला है जो आपको एंजल्स देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं हेल्पफुल पीपल, ये तो एक ज़रिया है, ये सिर्फ एक ज़रिया है आपके पास आने के लिए और आपको एक मैसेज पहुँचाने के लिए। लुक फॉर अ साइन, देख लीजिए लोगों के थ्रू एंजल्स बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने की और आपको एक मैसेज देने की। बस आपको ये है कि वो मैसेज को समझना है, समय रहते वो मैसेज को समझना है और उसको अप्लाई ज़रूर करना है। और आप तब देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उस डिसीजंस को लेने से आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, वो चीज़ देखिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपका रियूनियन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ज़रूर से लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसा लगता है कि पिछले 24 घंटे में भी आपके पर्सन ने आपके पास आने की कोई ना कोई कोशिश की है या फिर इस बारे में किसी से डिस्कस ज़रूर किया है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक बार ये बात हो चुकी है और बहुत रिसेंटली हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन, देखो, नॉट द राइट टाइम, अभी बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिल चुकी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी होंगे आपके पास आने के लिए। लेकिन करंट फीलिंग्स बताइए, हिडन फीलिंग्स बताइए। चेंज, इस पर्सन में यकीन मानिए बहुत बदलाव आए हैं। पहले से तो कुछ ज़्यादा ही बदलाव दिख रहे हैं और वो बदलाव ना आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आप दोनों को इससे बेनिफिट होगा, मतलब ऐसे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एम्पथी, इस पर्सन को आपके ऊपर ना बहुत सहानुभूति वाली फीलिंग आ गई है। मतलब एक तरीके से ये मान लो जो ये पर्सन अंधे हो गए थे और ये समझ नहीं रहे थे कि आप ये सब क्यों करते हो, आप क्यों रोते हो, आप क्यों झगड़ते हो, आप क्यों उनको एडवाइस देते हो, तो इस पर्सन को आप जाके सारी कुछ चीज़ें समझ आ रही है कि आप तो इनके लिए एक दोस्त की तरह एडवाइस देते थे। फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, दोस्त बोलते ही फ्रेंडशिप, ये आपकी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। स्पेशली उस वक्त का टाइम जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे ही नहीं और दोस्त थे पहले पहले, शुरुआत तो फ्रेंडशिप से हुई है मुझे लग रहा है, पर इनके मन में तो प्यार वाली फीलिंग्स आ ही गई थी और ये फ्रेंडशिप को मिस करते हैं कि उस टाइम जब आपको पता भी नहीं था बट फिर भी इस पर्सन को बहुत मौके मिलते थे आपके पास रहने के। वरी, ये पर्सन बहुत टेंशन में है आपको लेके कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गैर मौजूदगी में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो इस पर्सन को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आपका कुछ बुरा भी कर सकते हैं। तो इस पर्सन को हमेशा इस बारे में चिंता तो रह ही रही है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आपका दिल चुराने के लिए कोई और आ गया है जिसके बारे में इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं है। तो ये इनके हिडन फीलिंग्स रही। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। एंजल्स हमें स्पेशल मैसेजेस दीजिए, एक सेकेंड। एंजल्स हमें स्पेशल मैसेजेस दीजिए।
एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, ट्राई नॉट टू वरी, वी विल ब्रिंग हेल्पफुल पीपल इन टू योर लाइफ। देखो नंबर 19 यहाँ पे कार्ड बार बार आ रहा है। एंजल सबको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पीपल, ठीक है। ये चैनल्स है जिसके थ्रू आपके पास मैसेज पहुँचाया जा रहा है। मेक श्योर आप ध्यान दें और आप अपने ऊपर फोकस करें। इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स चेंजेस कैन ब्रिंग यू न्यू लाइफ एंड एनर्जी, वी विल होल्ड योर हैंड। देखो इस पर्सन के मन में ये भी है कि जो इनके मन में चेंजेस आए हैं ना, उससे अगर हम एक नई शुरुआत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। और ये यही चाहते हैं कि आपके साथ एक नई फैमिली को ये जन्म दें। नंबर 19, नंबर 25 और एंजल्स के द्वारा आप गाइडेड हो, इसका मतलब ये है टेक द टाइम टू पैम्पर योर सेल्फ और लेट अदर्स टेक केयर ऑफ यू। नंबर 22, इसका मतलब ये है कि खुद का ध्यान रखिए, खुद को प्यार दीजिए जो प्यार आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। और एंजल्स तो आपका ध्यान रख ही रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी हिडन फीलिंग्स एक तरीके से सामने आ चुकी है, जहाँ ये भी आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा रोतारू हो रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके पास आए और आपको कुछ अच्छा सा ऑफर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस रीडिंग को लाइक करके, कॉमेंट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है वो देख के ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।